पड़े कि हम सूक्ष्म जीव, ठीक है, तो सूक्ष्म जीव हमारे जो शरीर के अंदर भी हानि पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो यह है कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। सूक्ष्म जीव वो होता है जो छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम आसानी से नहीं देख पाते हैं और इतने महीन होते हैं कि इनको हम किसी माइक्रोस्कोपिक या यंत्रों के द्वारा हम इसे देख सकते हैं, तो उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे चार प्रकार के होते हैं, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, कवक है, ठीक है, और आगे है वायरस। वायरस भी एक जो होता है, हम सर्दी या जुकाम के अंदर जो वायरस होता है, किसी नाक में हम वायरस घुस जाता है तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो ये भी एक वायरस है। विषाणु जिसको बोलते हैं, विषाणु एक वायरस। तो वो क्या करता है, विषाणु क्या करता है, विषाणु मतलब क्या होता है कि वो भी इतने छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मतलब केवल परपोषी में ही गुणन रहते हैं, परपोषी के अंदर ही पाया जाता है। जैसे जीवाणु है, पौधा है, पौधों के अंदर वायरस होते हैं, अथवा जंतु कोशिका है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर क्या होता है, सामान्य जैसे जुकाम हो जाता है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा है, फ्लू हो जाता है, ठीक है, तो ये वायरस के द्वारा ही होता है। अधिकतर खांसी जो होती है वो वायरस के द्वारा ही होता है, खांसी होती है ना, तो वो वायरस के द्वारा ही होता है। आगे अतिसार है, मलेरिया है, तो ये भी हमें प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। जो मलेरिया है और जो ये प्रोटोजोआ वगैरह मलेरिया द्वारा होता है। तो जो हमारे जो शरीर के अंदर कितने प्रकार के जो जीव जो होते हैं, जीवाणु किस टाइप के होते हैं, वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले आपको देखो इस टाइप से ये जीव होते हैं, इस टाइप का जो जीव है वो होते हैं, जिसे स्पाइरल जीवाणु है, ठीक है, और ये छड़नुमा जीवाणु होते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इस तरीके से क्लाइमेडोनस स्पाइक वगैरह हो गया, ठीक है, और ये अमीबा एक जीव, एक कोशी के जीव है, पैरामीशियम, ठीक है, और ये राइबोप्स है, राइजोप्स है, पेनिसिलियम है, और ये एस्परी जिल्स है। तो ये जीवाणु है, ठीक है, तो ये जीवाणु है, ये तो मैंने बताया ना आपको अभी, ये स्पाइरल जीवाणु है और ये छड़नुमा जीवाणु है। और ये क्या है, ये शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास शैवाल है, स्पाइक वगैरह क्या है, ये भी एक शैवाल है। और ये क्या है, ये प्रोटोजोआ है, अमीबा और पैरामीशियम, ये क्या है, प्रोटोजोआ है। और ये क्या है, कवक, राइबोस, पेनिसिलियम और एस पलिजिल्स, ये है कवक, ठीक है। तो इस टाइप से ये होता है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्म जीव है वो कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, देखो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि रोटी है, ब्रेड है, ठीक है, तो हम दो चार दिन के अंदर उसको ख़राब हो जाता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे कण उसके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं, फंजाई के टाइप में होते हैं, वो होते हैं सूक्ष्म जीव। और जैसे बहुकोशिक भी होते हैं कुछ जीव एकोशिक भी होते हैं, और कुछ जीव होते हैं जैसे शैवाल है, कवक है, बर्फीली शीत में ओशन जैसे स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ये हमारे मनुष्य शरीर से भी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं,